बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। गाइस गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ चुका हूँ और तैयार भी हो गया हूँ। तैयार होने की वजह ये है कि मैं जा रहा हूँ, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है उस आलमगीर, क्योंकि हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है ईद की। अभी जाएंगे वहाँ पे और आपको भी साथ रखेंगे। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलें जी, चलते हैं इसरा आलमगीर, लेट्स गो। गाड़ी आ गई है, हम बस बैठने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह सराय आलमगीर पहुंचा है। ये है जी हमारा क्रीम सेंटर, मैं उसका फ्रंट भी आपको दिखाता हूँ। इस शॉप पे अभी हम आए, ये यहाँ पे इनके सारे लेडीज शूज हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इधर से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, देखते हैं अगर इधर से पसंद आया तो इधर से लेंगे, वरना दूसरी शॉप पे चलेंगे। स्टाइलो वालों की शॉप है, इधर से ड्रेस वगैरह भी मिल जाते हैं, शूज वगैरह हर तरह के, लेडीज जेंट्स सब कुछ मिल जाते हैं। और ये सामने लिफ्ट लगी हुई है, इधर से आप ऊपर जाते थे। नीचे जो है ये मोबाइल वाली बहुत बड़ी शॉप है, इधर से मोबाइल एक्सेसरी टोटल मिल जाती है। बड़ा मॉल है, आप ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। लहंगे भी हैं, दूसरे भी सूट वगैरह हैं इनके पास माशाल्लाह। इधर से हम शॉपिंग कर लें, कुछ देख सुन लें, फिर अगर इधर से ना पसंद आया तो दूसरी शॉप पे चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दूसरी शॉप पे आए, इधर से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर की शॉप ये चेक करें। माशाल्लाह लहंगे वगैरह हर एक तरह के, ये ऐसी शॉप है कि कहीं से भी कोई कपड़ा ना मिले ना, इधर आए इधर हर तरह का कपड़ा हमें मिल जाता है। हम ज्यादातर अगर कहीं से कोई कपड़ा ना मिल रहा हो इधर आते हैं, इधर से हमें मस्त मिल। हमने लेडीज ही शॉपिंग करनी है, अपनी शॉपिंग तो 5-10 मिनट का काम है, एक मिनट में हो जानी है। अपने सूट लेने हैं और अपने शूज लेने हैं, वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। हर तरह का बंदा देखता है, कोई बंदा नहीं भी ले सकता इस तरह, किसी ना किसी की दिल आजारी हो जाती है, इसलिए जो शॉपिंग की है वो नहीं दिखाऊंगा। वैसे आपको विजिट कराऊंगा जिधर जिधर जा रहे हैं। माशाल्लाह हर तरह का दुपट्टा भी है, आप चेक कर सकते हैं, ये घुमा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। दुपट्टा भी मिल जाता है, देख सकते हैं माशाल्लाह सारे बॉक्स वाले सूट हैं। जो लेडीज देख रही हैं उनको अगर पसंद आए तो इधर आ जाइए, इसरा आलमगीर में इनकी फिक्स प्राइस है। अगर महंगाई बहुत हो गई है पाकिस्तान में, लेकिन रश इतना है कि बंदे को पता नहीं चल रहा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, खड़ा होने की जगह नहीं है बाजार में। तौबा तौबा, हम इधर आए हैं, इधर से मैंने अपने सैंडल लेने हैं, पसंद करते हैं बोले। हमारी तकरीबन शॉपिंग हो गई है, दूसरी शॉप पे जाना है, उधर से एक दो ड्रेस लेने हैं, वो लेते हैं। लोग तो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा, लेकिन इधर तो खड़ा होने की जगह नहीं है, बहुत रश है, बहुत रश है, दिमाग खराब करने वाला रश है इधर तो। हम इस शॉप पे आए हैं, ये समझे कि हमारी फैमिली शॉप है, शादी ब्याह कुछ भी हमारा फंक्शन हो हम इधर से ही अपनी शॉपिंग करते हैं कपड़े वगैरह। हम वापस घर आ गए हैं, हमारी शॉपिंग डन हो गई है, अभी जाएंगे नमाज अदा करेंगे नमाज ज़ोर, फिर आपसे बाद में बात करेंगे। जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रोजे को रह गया आधा घंटा, आज रोजे ने तो एंड कर दिया। आज मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, प्यास तो नहीं लगी लेकिन भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। आज रोजे का पता चल रहा है कि रोजा रखा हुआ है, पहले जितने रोजे गुजरे हैं उसमें कोई पता नहीं चल रहा था कि रमजान है कि नहीं है, लेकिन आज रोजे का पता चल रहा है। वरना रोज़ा नाम ही इसका जिसका पता चले, भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम रोज़ा है। तो आज रोज़े का पता चल रहा है कि आज रोज़ा रखा, क्योंकि आज बाज़ार गए हुए थे, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह किया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से लगनी प्यास चाहिए लेकिन प्यास नहीं लगी, भूख लग गई है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गाँव वाले बाज़ार, वहाँ से लेके आनी है कचोरियाँ, क्योंकि आज गए हुए थे इसरा आलमगीर, वहाँ से हम लेट आए के थके हुए थे, तो अफ्तारी में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, लोग नॉर्मल चीज़ें बनाई और हम बाज़ार से लेके आऊँगा कचोरियाँ और आके फिर अफ्तारी करेंगे। आज माशाल्लाह फ्रूट सैलड बना है अफ्तारी में, फ्रेश जूस
आलू वाले पकौड़े, फ्राइड राइस, इसमें अंडा डला हुआ है, चिकन और बाकी चावल वगैरह सब्जी डली हुई है, ये हमने आज बनाए हैं जल्दी जल्दी में। ये माशाल्लाह कचौरियाँ जो अभी मैं लेके आया हूँ बाजार से, और साथ चटनी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा सारा खाना लग गया है, अब दस्तरखान पे बैठ गए हैं, हमने इफ्तारी करनी है, उसके बाद नमाज अदा करेंगे, फिर बाद में आपसे बात करेंगे। गाइज, आज हमारी ईद की शॉपिंग डन हो गई है, लेकिन आज तीन जो ड्रेस हैं उनके कलर का इशू है, वो कल शायद हम जाएं वापस को तब्दील करवाने। आज सारा दिन हमारा सर आलमगीर में गुजरा, रोजा भी थोड़ा बहुत आज लग गया क्योंकि गर्मी भी थी, घूमना फिरना था हर जगह पे, इसलिए आज रोजे ने थोड़ा सा तंग किया, मामूली सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तंग किया। और यहाँ पे मैं करूंगा अपनी वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि किसकी ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। आज के लिए मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।